अभी आज जो है ना बिरयानी लेट है, तो अल्लाह वाले अगर ये देख रहे हैं किचन वाले, तो बहुत सवा छः से भी ऊपर हो गया। अंदर घुस जा, अंदर घुस जा। चल शमी भाई अपने घर पे हैं, वो कहीं और गए हैं काम से, आएंगे यहाँ पे। जैजी भाई भी काम से निकले हैं। भाई क्या रिपोर्ट है उदयफा साहब? आज बहुत काम था। क्यों? बहुत रोजा लगा। आज बहुत ज्यादा काम था? हाँ। ऐसा क्या? अच्छा आज देखे शरबत भी काफी निकला है और पानी की बॉटल भी पूरी खत्म हो गई है। ये पानी की बॉटल्स अभी आई हैं हमारे पास, एक दोस्त हैं उनकी तरफ से, सो ये अभी हम लोग अंदर रखवा रहे हैं। ये तकरीबन कितना है? ये 2400 बॉटल्स हैं और 100 बॉक्सेस हैं, 2400 बॉटल, तो ये तकरीबन 5-6 दिन का हिसाब किताब है हमारे, इंशाल्लाह ताला ये अभी अंदर रख रहे हैं हम लोग। अच्छा मीन वाइज जो राशन बैग्स है अभी ख़त्म हो गए हैं, तो लोग काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं भाई इंशाल्लाह ताला राशन बैग्स आ रहे हैं, बट मसला ये है कि और भी बहुत सारे लोगों की नीड है वहाँ पे, तो जो प्रायोरिटी पे पहले उनको जाएंगे। जाहिर सी बात है वो एक अलग ड्राइव चल रही है, बट उसकी वीडियो नहीं बनती तो वो पता नहीं चलता, तो वो वीडियो बनाना भी मुनासिब, क्योंकि वो जिन घरों को जा रहा है आप वीडियो नहीं बना सकते, तो स्टार ड्राइव की वीडियो आपको देख रहे हैं, बट राशन ड्राइव जो है वो ठीक ठाक चल रही है। मैं आपको राशन की डिटेल दे सकता हूँ, बट ऑब्वियसली फैमिली की नहीं। माशाल्लाह। हाँ तो दोस्तों कैसा चल रहा है रोजा? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आज है 5वां दिन इफ्तार ड्राइव का, NICBD में है हम। तमाम उन लोगों का शुक्रिया जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आज भी आ चुके हैं लड़के और काम चल रहा है अभी, आप देख रहे होंगे शरबत भी बन रहा है यहाँ पे, अभी बस बिरयानी का वेट कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ी देर में दरियाँ बिक जाएंगी, जब बिरयानी आ जाएगी उसके बाद दरियाँ बिक जाएंगी, और वहाँ पे पानी की बॉटल भी ठंडी हो चुकी है, हो रही है। मीन वाली यहाँ पे शरबत बटन बन रहा है, थोड़ी देर के बाद शरबत बटना शुरू कर देगा। अच्छा दूसरा ये के वाई NICBD भाई, NICBD का सिंपल मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो हम लोग इफ्तार ड्राइव करवा रहे होते हैं ये होता है अटेंडीज के लिए। अटेंडीज वो लोग जो कि पेशेंट्स के साथ जो होते हैं ना, लोग रुकने के लिए आए हुए होते हैं, मरीज के जो तीमारदार होते हैं, वो उनके लिए ये हम लोग इफ्तार ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब चूंकि ये हॉस्पिटल एक तो मशहूर भी है, दूसरा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अंडर प्रिविलेज होते हैं, मतलब आउटसाइड कराची के ज़्यादातर लोग होते हैं, मतलब वो KP से आए हुए होते हैं, पंजाब से आए हुए होते हैं, सिंध से आए हुए होते हैं। ये वजह होती है कि उनके लिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि लोकल नहीं होते, बहुत सारे यहाँ पे और भी लोग होते हैं, जाहिर सी बात है इमरजेंसी में जो आया हुआ होगा अपने पेशेंट को लेके, तो वो भी इफ्तार देखता है और वो यहाँ पे आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि जाहिर सी बात है दस्तरखान हमारा अगर फुल हो गया तो हम उनको टेक अवे भी दे देते हैं या थाल में दे देते हैं, बाद में हम थाल ले लेते हैं। तो ये वजह है NICBD में इफ्तार ड्राइव करवाने की। अच्छा चूंकि रश को देखते हुए हम लोगों ने आज जो है वो देखे 2 ज्यादा देख, तकरीबन 9 देखे आज। अच्छा आज जो है हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, आज चिकन भी है और हमारे पास चने की भी है, जो कि हम चना जो करते थे, तो आज काफी इसरार था लोगों का कि चना भी करवाई जाए, तो आज चना के भी करवाई हमने और चिकन भी करवाई है, तो आज दोनों का इंतजाम है। खैर अभी थोड़ी देर में बिरयानी आती है तो आपको दिखाएंगे। अच्छा भाई ये शाहजहां साहब भी आ चुके हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। आज आप शुक्र है टाइम पे आ गए, वरना आप थोड़े लेट आ रहे हो। अच्छा नहीं मैं कल भी टाइम पे आया था, कल ट्रक के साथ ही तो आया था भाई साहब। आज 9 देखे हैं, 9। लेट्स सी, मगर अभी देख रहे हैं आप ये लोग जो दरिए बिछा के बैठे हुए हैं, ये सब अटेंडीज होते हैं, मतलब जो आए हुए हैं इनका ऊपर मरीज रुके हुए हैं, जाहिर सी बात है ऊपर अलाउ नहीं करते हैं ज़्यादा अटेंडीज रुकना, तो गांव देहात से बंदा आता तो एक बंदा तो नहीं आएगा, 2-3 लोग आते हैं, तो ये चक्कर होता है। आज जो है ना बिरयानी लेट है, तो अल्लाह वाले अगर ये देख रहे हैं किचन वाले, तो बहुत 6:15 से भी ऊपर हो गया अभी तक बिरयानी नहीं, क्योंकि तकरीबन आधा घंटा है हमारे पास। पहले तो हम इसको शफल करेंगे, फिर उसके बाद इसको थाल में डालेंगे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बड़ा चिफी करना पड़ेगा इसको। अंदर
भैया ये चलते फिरते के मोहसिन आज आए हुए थे, कैसा लगा मोहसिन भाई? बहुत अच्छा लगा मोबिन भाई मुझे। आपने जो एनआईसीबीटी पे हॉस्पिटल के बाहर, मैं बता रहा था आसिफ भाई को कि अंदर मरीज होता है तो उसके लिए निकलना इतना मुश्किल होता है कि क्योंकि पीछे डॉक्टर आपको इमरजेंसी में बुला ले, क्योंकि दिल का हॉस्पिटल है ये। और यहाँ के लोग बेचारे, मैं देख रहा हूँ इनके पास टाइम नहीं होता कि वो खाना खा ले या इफ्तार कर ले। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा, नेकी का काम है। हॉस्पिटल की इंतजामिया ने भी आपके साथ तआवुन किया जो कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। 7 साल से कर रहे हैं और बड़ी अच्छी जगह आपने ढूंढी है। मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल के बाहर लगाना चाहिए क्योंकि लोग मरीजों को देखेंगे या फिर अपनी इफ्तारी करने के लिए जाएंगे। चलो यार, थैंक यू यार, तुम आए और मैं चाहता था कि तुम इफ्तार करके आओ, बट तुम्हें कहीं जाना है। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, दस्तरखान लगे होंगे सड़कों पे, वहाँ भी कर सकते हैं। भाई ये कुछ बच्चे आए, ये कह रहे हैं भाई ब्लॉग में ले लो। खुश हो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा अली का भी नाम है। अच्छा, अली का भी ले लो भाई। अली खुश हो? चलो समी भाई अपने घर पे, वो कहीं और गए काम से, आएंगे यहाँ पे। जैजी भाई भी काम से निकले हुए, सही है। चलो भाई, चलो भाई, माशाल्लाह आज हमने एक और रॉ लगा दी यहाँ पे क्योंकि दरिया और अरेंज की है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। भाई क्या रिपोर्ट है उदैफा साहब? आज बहुत ज्यादा काम था ऐसे क्या? अच्छा, आज देखे शरबत भी काफी निकला है और पानी की बॉटल भी पूरी खत्म हो गई है, जितनी लेकर आए थे एक्स्ट्रा वो भी खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत बची हुई है और बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। चार दरिया एक्स्ट्रा लेकर आए थे, दरिया भी हो गई है फुल, कुछ और भी लोग बैठे हुए क्योंकि आज एक्सपेक्टेड था क्योंकि मंडे है, बट नहीं आ रहा बस। ये है कि आज इंशाल्लाह ताला बिरयानी कम नहीं पड़ेगी, बिरयानी हमने एक्स्ट्रा ही करवाई है क्योंकि कल इतवार का रंज देखते हुए हमने सोचा कि आज बिरयानी एक्स्ट्रा 2 होनी चाहिए, तो आज हमारे पास इंशाल्लाह ताला कवर कर दिया। भाई 5वें रोजे का इफ्तार हुआ चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अजान की आवाज़ें हम सुनते हैं, खजूर 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 खजूर, थैंक यू। भाई आज का अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोजा जो ना मुकम्मल हुआ, मंडे था और रश में एक्सपेक्टेड था, जब संडे को इतना रश हमें मिला तो मंडे को तो हमें ऑब्वियस था कि रश मिलना है क्योंकि ओपीडीज होती हैं और बहुत सारे मरीज आए हुए होते हैं, 500 डॉक्टर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ हो गई है। बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग पूरे पूरे दिन के लिए भी आगे रिजर्व करवा रहे हैं, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या हमारे गोफंडमी का लिंक है, वहाँ पर भी आप जाके कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक हम लोगों ने एक अरेंजमेंट की हुई है एनआईसीबीटी के, आप लोगों को ये अच्छी लग रही है एक्टिविटी, ये बनाने का मकसद सिर्फ मोटिवेट करना है और चीज़ें दिखाना, जाहिर सी बात है हम ये वाली एक तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं कराची की। अब बहुत सारी आपको बुरी तस्वीरें तो बहुत मिल रही होती, बट ये वाली तस्वीरें भी आपको मिलनी चाहिए कराची की, जहाँ पे आउटसाइडर्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी हैं वो सब इंटीरियर सिंध पंजाब केपी के बलूचिस्तान से लोग आए हुए होते हैं और कराची वाले बड़े वेलकम कर रहे होते हैं। एनआईसीबीटी में जितने भी अटेंडीज वॉलंटियर्स हमारे अभी भी लगे हैं, सब रिफिल करवा रहे हैं, हम सब आखिर में खाएंगे, तो ये सब मोहब्बत है कराची वालों की टूवर्ड ऑल जो पाकिस्तान के लिए। चलिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।